खालस टीवी वेख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है। हेडलाइंस दे नाल मैं अपनीत कौर। देश भर दी 500 किसान जथेबंदियों वालों 26 नवंबर नूं दिल्ली कूच करन दा ऐलान। पंजाब भवन चंडीगढ़ च बैठक तो बाद दिल्ली सरकार नूं भेजिया सुनेहा, जे सानू दिल्ली च वड़न की इजाजत ना दिती तां पूरे देश दा दिल्ली नालों संपर्क तोड़ देंगे। सारे देश के किसान पंज वड्डे हाईवेज राही होणगे दिल्ली च दाखल। जिथे भी राज रोकिया उत्थे ही अणमिथे समय लई शांतमई धरने लाउण दा कीता ऐलान। ट्रैक्टर ट्रालियां ते 4-5 महीनियां दा राशन इकट्ठा करके ले जाणगे किसान। बीबियां भी वड्डी गिणती च अंदोलन च होणगियां शामिल। किसानों वालों माल गड्डियां चलाउण तों बाद ही यात्री रेलां चलाउण दे फैसले ते कैप्टन वालों जताई निराशा ते किसानों दा आया प्रतिक्रम। कहा मुख्यमंत्री कैप्टन नूं माल गड्डियां रोकण दा दुख नहीं बल्कि किसानों दे रोस च यात्री गड्डियां रोकण दा वधेरे हो रहा है दुख। किसान बीबिया वालों भी दिल्ली जाण दीआं कीतीआं जा रहीआं ने तैयारियां। ब्लाक भवानीगढ़ के पिंड कराचो दीआं बीबिया इकट्ठा कर रहीआं ने राशन। बीजेपी लीडर हरजीत गरेवाल ने श्री अकाल तख्त साहिब के कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह नूं मानसिक तौर पर बीमार कहन वाले बयान तो मंगी माफ़ी, पर नाल ही दित्ती नसीहत। कहा जथेदार एक परिवार की पुश्त पनाही छड्डन, अकाली दल के बुलारे ने जथेदार अकाली दल से लगाया अपने दफ्तर से हमला करन दा इल्जाम। लोक इंसाफ पार्टी की पंजाब अधिकार यात्रा का मोहाली च गर्मजोशी नाल होया स्वागत। दूजे राज्यों नूं जांदे पंजाब दे पानी की कीमत वसूले सरकार। लोक इंसाफ पार्टी के प्रधान ते विधायक सिमरजीत सिंह बैंस ने दिता बयान। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी का सरूप सूटकेस पा के मोगे तो पुणे लैके जा रहे प्यो पुत्र नूं गुरु रामदास हवाई अड्डे ते कीता गिरफ्तार। नानकसर डेरे दे बाबा कुलवंत सिंह तो प्राप्त किया पावन सरूप। श्री अकाल तख्त साहिब दे कार्यकारी जथेदार ज्ञानी हरप्रीत सिंह ने घटना की की निखेधी। दोषियों खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का किया ऐलान। मोहाली अदालत च टली पंजाब दे साबका डीजीपी सुमेर सिंह सैनी की अगाऊ जमानत रद्द करने की सुनवाई। 3 दिसंबर नूं होवेगी अगली सुनवाई। चंडीगढ़ च 23 नवंबर तो खुलणगे कॉलेज। प्रशासक वीपी सिंह बदनौर ने दिती मंजूरी। 1 दिसंबर तो खुलणगे होस्टल। चंडीगढ़ च सैर सपाटे वालियां भी खुलियां थावां। चंडीगढ़ प्रशासन ने दिल्ली तो शहर आने वाले यात्रियों लिए जारी की अहम एडवाइजरी। दिल्ली तो चंडीगढ़ आने वाले यात्री नूं मिलन वक्त 6 फुट की दूरी होवेगी लाजमी। मास्क पाउणा होवेगा जरूरी। दिल्ली तो आने वाले लोगों नाल घट तो घट संपर्क रखने के दिते निर्देश। बस से आने वाले लोगों का सैक्टर 17 बस स्टैंड से होवेगा मुफ्त टैसट। दिल्ली च जनतक थावां ते मास्क ना पाउणते होवेगा 2000 रुपए का जुर्माना। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने छप्पड़ झीलों ते जनतक जल स्रोतों ते छठ पूजा ना मनाउण दी कीती अपील। पहला मास्क ना पाउणते 500 रुपए हुंदा सी जुर्माना। दिल्ली हाई कोर्ट ने कोविड प्रबंधन लई केजरीवाल सरकार की की झाड़ चंब। विआहां च गिनती पक्षों लोगों की शमूलीयत ते देरी नाल लगाई पाबंदी ते उठाए सवाल। पंजाब के मुख्यमंत्री कैप्टन अमरिंदर सिंह के पुत्र रणइंदर सिंह ईडी सामने हुए पेश। विदेशी बैंक खातों और विदेशी कंपनियों की मालकी ते भाईवाली बारे की गई पुछगिछ। ईडी दफ्तर वालों 27 अक्टूबर ते 6 नवंबर में भी भेजे गए सन समन, हर बार रहे सी गैर हाजिर। दिल्ली सिख गुरद्वारा प्रबंधक कमेटी के 2 मैंबर हरिंदरपाल सिंह ते जतिंदर सिंह सानी ने श्रोमणी अकाली दल तो दिते अस्तीफे। अकाली दल ते मुढ़ले सिद्धांतों तो लाभे होने दे लाए दोष। जनवरी 2020 दौरान JNU दिल्ली च हुई हिंसा च पुलिस नूं मिली क्लीन चिट। स्थानक पुलिस की अणगहली और घटनाक्रम बारे दिल्ली पुलिस की तत्काल कमेटी ने दी क्लीन चिट। पाकिस्तान की अतवाद विरोधी अदालत ने दहशत फंडिंग केस हाफिज सईद नूं सुनाई 10 साल की सज़ा। मुंबई हमलों का मुख्य साजिशकारा है जमात उद दावा का मुखी हाफिज सईद। संयुक्त राष्ट्र वालों दहशतगर्द ऐलाने सईद सिर ते अमरीका ने 1 करोड़ डॉलर का रख्या इनाम। सईद इस वेले लाहौर की उच्च सुरक्षा वाली कोट लखपत जेल च बंद। केरला के सबका PWD मंत्री इब्राहिम कुंजू नूं कीता गिरफ्तार। विजिलेंस एंड एंटी करप्शन ब्यूरो ने भ्रिष्टाचार के मामले च कीता गिरफ्तार। एक पुल के निर्माण दौरान हेराफेरी करन दे लगे सी दोष। TRI वालों कौमांतरी कोकीन तस्कर ग्रोह का पर्दाफाश। 2 भारतीय औरतों समेत 4 गिरफ्तार। 500 ग्राम तो वध कोकीन की बरामद। ऑपरेशन कैलीपसो तहत 3 दिन ग्रोह का किया गया पर्दाफाश। एक स्टीम प्रेस कोके ट्रिनीडाड तो टोबैगो तो मुंबई भेजी गई सी कोकीन।
राष्ट्रीय जनसंख्या रजिस्टर के सवालों नूं दिता जा रहा अंतिम रूप। रजिस्ट्रार जनरल ऑफ इंडिया ने दी जानकारी, देश के 13 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों ने NPR नूं अपडेट करन दा कीता विरोध। डिजिटल इंडिया लोगों की जीवन शैली बनिया, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने किया दावा। कहा, भारत सूचना के इस युग च बहुत चंगी पोजिशन च होने के नाल होरना मुल्कां दे मुकाबले भी है अगे। मूडीज इन्वेस्टर सर्विसेज ने मौजूदा वित्तीय वरे च भारत की विकास दर च हल्के सुधार की की पेशीनगोई। पिछले हफ्ते 2.7 लाख करोड़ रुपए के ऐलाने नवे वित्तीय पैकेज मगरों विकास दर कुछ उभार नाल मनफी 10.6% रहने का अनुमान। अमरीका च करोना वायरस नाल मरन वालों की गिनती 2.8 लाख तो हुई पार, अमरीकी सेहत अधिकारियों ने दी जानकारी। अमरीका च करोना वायरस के मामलों एक बार फिर आया उछाल। करोना वैक्सीन तैयार कर रही दवाई कंपनी फाइजर ते बायोटेक ने किया दावा, 65 साल तो वड्डी उम्र के लोगों ते भी 95% कारगर है वैक्सीन। पूरी दुनिया च लगभग 41,000 जनिया उपर इस दी परख करन तो बाद नतीजे उपर पहुंचन दा कीता दावा। कहा, क्रिसमस तो पहला शुरू हो सकती है वैक्सीन दी डिलीवरी। हेडलाइंस वेखन वाले सारे दर्शकों का धन्यवाद।